12 अप्रैल को प्रस्तावित गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में प्रतीक चिन्ह लोगो हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में लोगो प्रतियोगिता की संयोजक व गोरखपुर विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा यादव ने बताया कि लोगो प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को अपनी प्रविष्टियां 25 मार्च तक विद्यार्थी परामर्श केंद्र सूचना केंद्र पर जमा कर देना है। प्रतियोगिता के प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 3,000, 2,000 एवं 1,000 की प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 3 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष एवं लोगो प्रतियोगिता के संयोजक प्रोफेसर सुधा यादव ने कहा, मैं हूं प्रोफेसर सुधा यादव, संयोजक लोगो प्रतियोगिता 39वां दीक्षांत समारोह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। 12 अप्रैल 2021 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह जो है होने वाला है। उसके लिए जैसा कि पिछले सालों में भी होता था कि विद्यार्थियों के मध्य एक जो है प्रतियोगिता की कराई जाती थी और उसमें से जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बच्चे रहते थे उनके जो है उन्हीं में से जो प्रथम पुरस्कार वाले विजेता छात्र के लोगों को जो है उसके लिए चयनित किया जाता है। इस प्रतियोगिता की के नियम जो है इस प्रकार से हैं कि इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतिभागियों को अपनी डिज़ाइन जो है 10x10 इंच के वर्ग में अथवा 10 इंच व्यास के जो है वृत्त में बनाने होंगे। इस डिज़ाइन में विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य अनुभद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः एवं विश्वविद्यालय का कुलचिन्ह लोगों का होना अति आवश्यक है। इस डिज़ाइन में 39वां दीक्षांत समारोह या 39th कॉन्वोकेशन भी जरूर जो है लिखा होना चाहिए। डिज़ाइन में कोई भी प्रतिभागी अधिकतम 3 रंगों का प्रयोग कर सकता है और सभी विद्यार्थियों को ये सूचित करना है कि इस तरह की जितनी भी प्रविष्टियां हैं वे 25 मार्च 2021 तक अवश्य जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडी बिल्डिंग में स्थित विद्यार्थी परामर्श केंद्र या सूचना केंद्र पर जमा कर दें। इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 3,000, 2,000 और 1,000 की प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी और साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 3 सांत्वना पुरस्कार वाले विजेताओं को भी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस लोगो प्रतियोगिता में अपना जो है प्रतिभाग करें। और विद्यार्थियों से एक और जो है निर्देश देने का चाहूँगी कि वे अपनी डिज़ाइन के पीछे अपना नाम, पिता का नाम, अपनी कक्षा, मोबाइल नंबर, विश्वविद्यालय के हैं तो विश्वविद्यालय का नाम और अगर संबद्ध किसी महाविद्यालय से हैं तो उस महाविद्यालय का नाम अवश्य अंकित करें। और इसके साथ साथ जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो अपने डिज़ाइन के साथ अपने संस्थान के परिचय पत्र की एक फोटोकॉपी अवश्य लगाएं। इसलिए विद्यार्थियों से ये अपील है कि वे इस प्रतियोगिता में जो है प्रतिभाग करें और अपनी प्रतिभा को अपनी इसको विश्वविद्यालय में इतने बड़े जो है कॉन्वोकेशन में जो कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा जो है पर्व होता है तो 39वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करें और इस प्रतियोगिता के द्वारा अपनी प्रतिभा का भी परिचय दें और विश्वविद्यालय का नाम बढ़ाएं। धन्यवाद।